So guys, welcome back to the channel. Today is another exciting day for me. Today being the 5th of September, Happy Teachers Day, by the way, to everybody who's watching out there, all my teachers and all those people who have taught me a lot of things, I am thankful to from the bottom of my heart. So Happy Teachers Day to everybody. So 5th of September, 12:37 in the afternoon. And today we are at a very, it's a very small workshop, but it's one of my very well-known people who I know since a very long time. So guys, I'm basically here because aap logo ko pata hai ki I'm going out for a very long tour to Assam, to the northeast, and bike ka service due tha. So इन एनी विच वेज हम लोग को बाइक को पूरा सर्विस करवाना है, ऑयल चेंज है, देर इज़ अ एयर फिल्टर एंड एवरीथिंग. सो दोज पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टोरीज आते हैं एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. एंड जो चीज़ आपको शायद यहाँ पे नहीं समझ में, आपको शायद प्रीवियस ब्लॉग्स में जाना पड़ेगा टू चेक के व्हाट ऑल आई हैव गॉट. अभी के लिए तो आई कैन जस्ट टेल यू के बाइक एंड बाइकर हैड सेंड मी फुल सेट. आई मीन आई हैड वन अ गिव अवे अगेन लाइक आई सेड इट इन द प्रीवियस ब्लॉग एज वेल. तो हमारे पास ये सब है यहाँ पे, दिस इज़ द बॉक्स, इसमें सब कुछ मैंने रखा हुआ है. देर इज़ प्यूटिलिन ऑयल्स है, दिस इज सेंड बाय बे सिटी स्पीच शॉप फॉर अ रिव्यू. आई हैव गॉट पॉलीट्रॉन अल्ट्रा परफॉर्मेंस, दिस इज़ एन इंजन ऑयल ट्रीटमेंट लिक्विड. आई हैव गॉट टू बॉटल्स विथ मी, सो दोनों बॉटल हमारे बाइक में जाएंगे. एंड देन आई हैव गॉट द इरिडियम स्पार्क प्लग विच इज़ BS6 रेडी एज आई हैड शोन ऑन इंस्टाग्राम. सो ऑल इन ऑल टोटल हम लोग के पास सारा सामान आ गया है. बाइक इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज़ द बाइक. सो बाइक अभी यहाँ पे रेडी है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द बाइक. सो फर्स्ट थिंग इज़ ऑयल चेंज, सेकेंड थिंग इज़ एयर फिल्टर चेंज. अरे हाँ, एयर फिल्टर मैंने बताया कि नहीं, एयर फिल्टर है हमारे पास. हाँ भैया, एयर फिल्टर है. सो KNN एयर फिल्टर्स है हमारे पास. सो दिस विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक टुडे. उसका स्टॉक हम लोग निकाल देंगे. सो स्टॉक हैज़ वर्क फॉर मोर देन 6000 किलोमीटर्स एंड बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, देर इज़ नो प्रॉब्लम. बट नाउ आई वॉन्ट टू पुट ऑन सम रियल परफॉर्मेंस पार्ट्स ऑन द बाइक एंड लेट्स सी हाउ द बाइक परफॉर्म्स. सो जैसे ही काम शुरू होता है मैं आप लोग को अपडेट करूँगा. सो गाइस, बाइक पे काम चालू हो गया है. ये है पंकज भाई, हाय. पंकज भाई के साथ एंड दिस इज सुरक्षित, सॉरी दिस इज सुरक्षित मास्क नीचे कर. सो सुरक्षित और पंकज भाई के साथ मेरा पहचान बहुत पुराना है. जब मैं UM Renegade कमांडो ओनर हुआ करता था तब पंकज भाई एंड सुरक्षित वहीं पे UM के सर्विस सेंटर्स में काम करते थे और वहीं से अपना पहचान हुआ. बट टुडे उन लोग ने काफ़ी, मतलब यू नो, दे इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स एंड नाउ दे ओन अ वर्कशॉप टुगेदर एंड दिस इज़ लाइक अ टेम्पररी वर्कशॉप. तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बट ऑब्वियसली मैं नीचे नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. विच एवर बाइक यू ओन यू कैन कॉन्टैक्ट पंकज भाई, आई गिव द नंबर बिलो, और उनका कॉन्टैक्ट होके यू कैन कम टू हिज वर्कशॉप एंड गेट योर बाइक सर्विस्ड. जो भी काम हो आपका हो जाएगा बाइक का. सो ऑयल निकल गया बाइक का, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो मेजर चेंज जो होने वाला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है. इट्स लाइक मोर ऑफ द ऑयल चेंज, फिर ये ओरिजिनल ऑयल फिल्टर जो पंकज भाई ने खुद से खरीद के लाया है टू द वर्कशॉप. तो बेसिकली आपको पार्ट्स का भी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ वेरी मच ओरिजिनल एंड अप टू द मार्क. जो भी प्रॉब्लम आपको होगा विल बी टोल्ड टू यू एंड उसी हिसाब से आपका बाइक का काम भी किया जाएगा.
तो गाइस अभी वी आर चेकिंग द ब्रेक पैड्स, आगे के ब्रेक पैड्स हम लोग ने निकाल के देखे. कमलेश भाई वो आगे का ब्रेक पैड बताओ. तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है. तो वैसे तो लेवल सही है ब्रेक पैड्स का. तो अकॉर्डिंग टू पंकज भाई अभी चेंज करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बट राइट पे जाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे एंड इफ नीडेड वील चेंज इट. दैट इज़ वॉट ही सेड. तो अभी के लिए तो वी हैव केप्ट इट लाइक दिस, ही हैज क्लीन्ड इट. आज हम लोग ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक पैड, सारा चीज़ करने वाले हैं. वी आर गोना गेट द सर्विस डन प्रॉपरली आज. और एक बार ये सब हो जाए, एवरीथिंग इज सेट, ऑयल सब ड्रेन हो चुका है ऑलमोस्ट. तो गाइस सारा एक्सेस ऑयल निकलवा दिया जा रहा है. सो दैट वी कैन गेट द फुल 2 लीटर प्यूटलिन ऑयल दैट आई हैव गॉट फुल्ली सिंथेटिक इन टू द बाइक. बिकॉज एक भी आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ ओल्ड ऑयल रिमेनिंग इन द बाइक. सो इसलिए हम लोग वी आर मेकिंग श्योर के सारा ऑयल निकाल दे और नया ऑयल पूरा का पूरा 2 लीटर्स. आई नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल मैक्सिमम 1.8 तलक जाता है, बट वील ट्राई एंड रिमूव एज मच एज ऑयल एज पॉसिबल टू गेट द मैक्सिमम ऑयल इनसाइड. अभी हम लोग एयर फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं. वी आर इंस्टॉलिंग द कैन एंड फाइनली इन टू द हिमालयन. पंकज भाई इज़ रिमूविंग द स्क्रूज एंड विल टेक ऑफ द स्टॉक एयर फिल्टर. हम लोग देखेंगे आज पहली बार अपना एयर फिल्टर ये कैसा दिखता है ऑन द स्टॉक साइड. और ये रहा KNN का फिल्टर जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं. कीप इट हियर. ओ ये येलो येलो क्या है यार. हाँ ऐसे तो अच्छी हालत में, पर अंदर थोड़ा एक बार क्लीन करवाया था मैंने इसको. आई थिंक एक बार क्लीन करवाया था. बट कंडीशन तो ठीक अभी तक 5000 चलेगा. ठीक है चलेगा. तो इसको हम लेके जाएंगे साथ में, इसको रखेंगे बाजू में. और ये रहा अपना KNN का फिल्टर, फुल पैक्ड है. अभी हम उसका सील तोड़ रहे हैं. चलेगा. फिल्टर्स आर यूजुअली प्लग एंड प्ले, ज़्यादा कुछ देयर इज नो रॉकेट साइंस. तो थोड़ा अच्छे से उसका फिटिंग देखना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली इंस्टॉल इट इन टू द बाइक. सो दैट इज वॉट पंकज भाई इज डूइंग. एक बार प्रॉपर वो क्लिप जो दिया होता है उसको टाइट करने का एंड वी गेट इट फिटेड प्रॉपरली, उसके बाद देयर इज नो इशू. अभी सीधा 5000-6000 किलोमीटर के बाद आई कैन क्लीन द एयर फिल्टर एंड अगेन इंस्टॉल इट. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ KNN फिल्टर. So we are putting a sealant on the periphery of the air filter such that there is no escape of air. So finally air filter andar ja chuka hai and we are screwing in it in the bike. सबसे ईजिएस्ट इंस्टॉलेशन इसका है, पर इट टेक सम टाइम इफ़ यू आर एमेच्योर लाइक मी. बट अगर एक्सपर्ट ऐसे हो तो 5-10 मिनट में काम हो जाता है. अभी अगर मैं ये DIY बनाता तो कम से कम एक 15-20 मिनट का वीडियो बनता, पर ये अभी सिर्फ 4-5 मिनट में हो चुका है. बिकॉज दिस क्लिप इट्सेल्फ इज़ अराउंड
4 minutes 37 seconds. Ownership review of Himalayan will be done after a comeback from the ride, so don't expect it right now. आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे कि ownership review आप बनाओ भाई, पर मैं अभी नहीं बनाने वाला, because to be honest, stock में जितना मज़ा नहीं आता उतना after market parts डालने के बाद मज़ा आता है. So ये सारा कुछ install करने के बाद when I actually go on the ride, I might do it in Assam or I might come back and do it in Mumbai, पर करूँगा ज़रूर. रियर ब्रेक पैड्स एंड कैलिपर क्लीन करने वाले हैं, सो दैट इज़ व्हाट पंकज भाई इज डूइंग, इज रिमूविंग द रियर व्हील, चेकिंग द डिस्क, द पैड, अगर ब्रेक पैड बराबर है कि नहीं एंड एवरीथिंग एंड दैट बी चेक. सो यहाँ पे है ये वाला. सो नाउ वी आर चेंजिंग, वी आर जस्ट क्लीनिंग द कैलिपर, ब्रेक कैलिपर क्लीन कर रहे हैं. इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम आई है अभी थोड़ा, बिकॉज द वायर इज़ एक्चुअली अटैच्ड हियर, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे अटैचमेंट रहता है. ये इसका ABS का वायर है, ये ब्रेक का वायर है. सो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था. सो रेयर ब्रेक्स भी अच्छे हैं अभी के लिए, सो वील बी कीपिंग दैट एज इज. अभी लेट्स सी आगे क्या क्या होता है. ओके सही है ना भाई? ओके टॉप अप करना ज़रूरी था, है ना? बराबर है, लेवल भी सही है. ओके तो गाइस अभी हम लोग स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग द ओल्ड वन, वी आर पुटिंग इन द न्यू वन, और नया वाला अपना NG के इरिडियम स्पार्क प्लग है. पंकज वो सो ये हमारा इरिडियम स्पार्क प्लग है, इट इज़ BS6 रेडी, और इसका मॉडल नंबर है CR9EIX. सो दिस इज़ द मॉडल नंबर. यू गाइज कैन फ्रीज द आई मीन पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट अगेन. ये वाला इसका मॉडल नंबर है. तो ये वाला हम अपने बाइक में डलवा रहे हैं, इरिडियम का स्पार्क प्लग. सो दिस इज़ द स्पार्क प्लग दैट वी हैव फॉर इरिडियम. तो ये अपने दोनों स्पार्क प्लग्स है, ये वाला स्टॉक, अरे ये वाला स्टॉक है और ये वाला NGK का है. सो यूजुअली द स्पार्क हैज टू द गैप हैज टू बी बिटवीन 0.6 to 1.8 mm. अगर ये गैप बढ़ गया तो यू नीड टू चेंज योर स्पार्क प्लग, दैट इज द थंब रूल. सो अभी मेरे वहाँ पे तो आई थिंक द गैप इज स्टिल मेंटेन्ड, बट हम लोग फिर भी नया वाला ही स्पार्क प्लग लगा रहे, जूना वाला हम लोग रखेंगे अपने पास. We'll keep it in case of an emergency. अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला लगा लेंगे, बट आई डोंट थिंक ये ज़रूरत पड़ने वाली है. इट्स एन इरिडियम NGK का है, सो इट लास्ट क्वाइट लॉन्ग. सो फाइनली वही इंजन में इंस्टॉल किया जा रहा है एट दिस मोमेंट. अभी फाइनल थिंग इज ये टेकन आउट ऑल द ऑयल, सारा ऑयल निकल के आ चुका है. इट इज़ ऑल बीन कलेक्टेड ओवर हियर. पुराना स्टॉक फिल्टर ये वाला है, ऑयल फिल्टर, वो भी निकल गया है. रिमूव एवरीथिंग. नाउ दिस इज द फ्यूटिलिन ऑयल दैट आई हैव विथ मी. एज यू गाइस नो, मैंने ये वाला ऑयल मुझे बे सिटी स्पीड शॉप से मिला था. So I got this from Bay City Speed Shop, and
This is a fully synthetic 15W50 Utilin Estratec Syntec 4 Plus. So I'll be putting this full oil inside my bike. तो अभी हम लोग ये ऑयल फिल्टर को इसके अंदर इमर्स करके रख रहे हैं। अभी आर इमर्सिंग इट इनसाइड। सो दिस इज नेसेसरी न्यू ऑयल फिल्टर्स के लिए, बिकॉज ऑयल फिल्टर्स टेंड टू एब्जॉर्ब द ऑयल, द न्यू ऑयल इनसाइड। फिर जब वो प्रॉपर अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, विल बी नो प्रॉब्लम। तो ये करना नेसेसरी होता है। तो एंड ऑयल हैज गॉट अ वेरी नाइस गोल्डन ब्राउनिश कलर। तो ये ऐसे अंदर इतना इमर्स किया गया है ऑयल फिल्टर को। बाद एक हमारे पास ये पॉलीट्रॉन का ये हाई अल्ट्रा परफॉर्मेंस, आई हैव गॉट दिस मेटल ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेट, दैट also will be going inside the engine. The last time मैंने एक bottle add किया था, this time I'm adding two bottles. Praying that this bottle also empties fully inside. And here we go. So basically, हम लोग funnel इसलिए use नहीं कर रहे because the bottles, got its own tube in such a way, it's elongated in such a way कि वो अपने आप से अच्छे से engine के वो hole में चला जाता है और अच्छे से वहाँ से oil चला जाता है उसके अंदर। So I'll just show you the 1 liter bottle that has already been used. तो ये वाला कुछ ऐसा दिखता है। This goes directly into your oil nozzle and it's done. पूरा ही 1 liter oil चला गया है of the Estratec Syntec 4 Plus. Thank you Bay City Speed Shop for this oil that you have given me, and I hope ke definitely the bike will perform much better than what it was already been performing so far. Ye bhi khatam, are wah, second liter 2 liter chale gaye bhai, superb. So drain karne mein Pankaj bhai hum logo kitna time laga? It took 2 hours to drain the full 2 liters of oil. Cold. और वो भी cold ना? हाँ मतलब engine burn cold में ये हुआ है. And of course there are tricks and tips of actually removing the engine. So Pankaj bhai used to always crank the engine every half an hour or maybe a little 45 minutes later, so that all the engine oil that was there inside the engine comes out slowly and steadily. और ऐसे करते करते सारा ऑयल निकाल दिया हम लोग ने और ये नया ऑयल ऐड कर चुके हैं। सो नाउ फाइनल पीस ऑफ द पजल इज द पॉलीट्रॉन मेटल ट्रीटमेंट दैट इज आल्सो अबाउट टू गो इन। सो ये रहा वो बॉटल, ये रहे पंकज भाई। ओके और ये भी हम ऐड कर रहे हैं इसको। ग्रेट, 90 ml गोइंग इनसाइड। थोड़ा रन कर।
करने के बाद दूसरा मोटर ले। हाँ चलेगा, हीट करेंगे और नीचे अंदर लेंगे। हाँ हाँ, सो बेसिकली पॉलीट्रॉन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप पॉलीट्रॉन के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि एज टू व्हाई आई हैव एडेड दिस इनटू माय इंजन। सो गाइज, बाइक को पूरा वार्म अप कर चुके हैं हम लोग और आप देख सकते हो द लेवल ऑफ द ऑयल। आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी इट, नहीं आप लोग शायद नहीं देख पाओगे, बट दिस इज द लेवल ऑफ द, दिस इज द प्रॉपर लेवल एट विच द ऑयल शुड बी। सो वी लेटिंग द ऑयल सेटल डाउन अगेन अच्छे से एंड नया ऑयल ऐड हो चुका है प्यूटलिन का एंड KNN फिल्टर ऐड हो चुका है। बाइक साउंड्स वेरी गुड एंड अभी मैं ऑफकोर्स घर जाऊंगा तो आई विल बी ऑब्वियसली गेटिंग द हैंग ऑफ द बाइक कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इन द ट्रैफिक एज वेल एज ऑन द हाईवे, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड सुपर जॉब डन एंड थैंक्स टू सुरक्षित एंड पंकज भाई फॉर गेटिंग दिस थिंग डन फॉर मी एट वेरी शॉर्ट नोटिस आई शुड से। सो बेसिकली बहुत टाइम से बात चल रही थी कि मेरे को एक बार आना है इनके वर्कशॉप पे, पर मैं आ नहीं पा रहा था, तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे चांस मिल गया कि बाइक का एक मेजर सर्विस था एंड हु बेटर टू गो टू देन पंकज भाई, बिकॉज ऑब्वियसली ही नोज मी सिंस अ लॉन्ग टाइम और मैं कुछ ही लोगों को ट्रस्ट करता हूँ बाइक के साथ और ही इज़ वन ऑफ देम, तो मेरे को इनसे कोई ये नहीं होता। बाइक इनके पास अगर छोड़ने को भी बोलते तो मैं आँख बंद करके सीधा घर चला जाता अभी। आई एम वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन, ऐसा कुछ ये नहीं है, फाइनल बस थोड़ा चेक्स कर लेंगे हम लोग एंड थिंग्स आर लुकिंग प्रिटी गुड। बस अभी थोड़ा राइड के दौरान देयर शुड बी नो इश्यूज, सो एक बार राइड पे जाने से पहले आई विल बी डेफिनेटली कमिंग बैक टू द वर्कशॉप, सो दैट एक बार प्रॉपर सब चेकअप्स हो जाएंगे एंड लाइक पंकज भाई इज ऑलरेडी सेट ब्रेक पैड्स चेंज कर लेंगे। We'll change the brake pads then because रास्ते के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द अपडेट फॉर नाउ। अभी तो सारा कुछ हो चुका है, वी आर जस्ट अबाउट टू एड वन मोर बॉटल ऑफ 90 ml मेटल कॉन्सेंट्रेट जो मैंने मेरे पास है पॉलीट्रॉन का, वो एक ऐड हो जाएगा एंड वी आर डन। सो दैट्स इट। तो मैं लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉग, मैं इनका जो भी डिटेल्स है मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप लोग को जब भी आना है आप एक कॉल कर देना, टेक एन अपॉइंटमेंट, सी वेदर थिंग्स आर वैलिड एंड दीज गाइज विल गेट द जॉब डन। सो सुपर जॉब डन, बहुत मज़ा आया, पूरा दिन चला गया है मेरा, बट ऐसा लगा ही नहीं कि पूरा दिन गया है, मतलब इतने घंटे चले गए, बट बाइक के साथ जब भी हम लोग होते हैं कैसे दिन चला जाता है पता नहीं चलता, टाइम जस्ट पासेस बाय, सो परफेक्ट। सो अभी ये है द सेकेंड बॉटल ऑफ पॉलीट्रॉन मेटल ट्रीटमेंट 90 ml, ये भी जा रहा है इसके अंदर। एंड डन, फाइनल पीस ऑफ पजल हो गया, इट्स डन, एवरीथिंग इज डन। सो गाइज, आई हैव फिनिश्ड, वी आर फिनिश्ड विद द सर्विस ऑफ द बाइक। मेरा बाइक अभी पंकज भाई लेके गए फॉर टेस्ट राइड एंड फॉर अ स्मॉल वॉश, एक थोड़ा सा वॉश करवा के वो आ जाएंगे वापस। एंड देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हुआ सब्सक्राइब टू द चैनल के आई विल बी गेटिंग अ कोड फ्रॉम ग्लैम मोटोमेक जहाँ पर मैं हूँ अभी एंड दे गिव दिस कोड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, तो अगर वो कोड लेके आप लोग अगर आते हो यहाँ पे तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन योर टोटल कॉस्ट। तो आई नो इट्स अ स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम दिस वर्कशॉप, बट इट वर्क्स, अच्छा ही है।
अब लोग अगर यहाँ पे आते हो तो आपको वो कोड के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर टोटल कॉस्ट. सो विद दैट सेड गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो एज मच एज आई हैव एंजॉयड स्टेइंग हियर एंड यू नो रिकॉर्डिंग दिस एंटायर सर्विस वीडियो फॉर यू गाइस. If you have any questions related to the service, or if you have any questions related to what I have changed and what has happened and what is the feedback of the oil change and everything, well, like I said, वो सब कुछ मैं राइड के बाद ही बता पाऊँगा. और yeah, I think that's it from my end. So if you guys have enjoyed the video, please like the video, subscribe to the channel. If you are new to the channel, definitely subscribe. And share your thoughts with me. Comment down below if you have any kind of suggestions or you have got any kind of feedback for me. And that helps me improve on my content. So with that said, stay safe, get vaccinated, and always be very, very careful around this time because it's a pandemic situation. Still, we are not out of it. So always wear a mask. I know that main nahi pehen raha hoon because don't have many people around, it's not a crowded place, and mere aur Surakshit ke beech mein bhi kafi distance hai, aap log dekh sakte ho. So with that said, stay safe guys, and I hope you have enjoyed this video, and I'll see you guys in the next vlog. Signing off.